patriotic act. Let us welcome them in a big round of applause. क्यों है आखिर हम ये क्यों नहीं समझते कि जो आज हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा हमारे साथ भी हो सकता है. सिचुएशन ऑफ गर्ल्स इन आवर कंट्री. हेलो, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सिन्हा बोल रही हूँ. वाइफ प्रेग्नेंट है, लड़की है, अबॉर्शन करना था. कैसे बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हैं? लड़का चाहिए होगा आपको? नहीं, लड़का नहीं, लड़की ही चाहिए थी. तो फिर क्यों कर रहे हो अबॉर्शन? क्योंकि रेप हो जाएगा इसका. डॉक्टर मैं ये नहीं चाहता कि इसका रेप हो जाए. आई एम सो सॉरी डॉक्टर, मैं नवीद बोल रहा हूँ. मुझे मालूम है कि आपके पास कॉल आती होंगी, लेकिन उनकी वजह यही होती होगी कि मैं दहेज नहीं दे सकता या मैं लड़की को पढ़ा नहीं सकता. लेकिन अब कॉल आया करेगी और वजह ये हुआ करेगी डॉक्टर कि मैं अपनी बच्ची को पैदा नहीं होने देना चाहता क्योंकि इसका रेप हो सकता है. दिल्ली में 8 महीने की बच्ची का रेप हुआ. 8 महीने की बच्ची होती कितनी अगर वो तंदुरुस्त ना हो? इंसान के एक हाथ में आ जाती है. उसका रेप हुआ है. I'm sorry, मैंने आपका वक्त भी ले लिया, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ सबको कि ये होने लगेगा, वरना इस चीज को बंद करवा दो. मेरी समझ में नहीं आता कि स्लोगन देखने के बाद लोग खुश हो जाते हैं. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. क्यों क्यों हम पहले ही जाहिर कर देते हैं कि बेटियां कमजोर हैं, पढ़ी लिखी भी नहीं है, इनको बचाना भी है. ऐसे स्लोगन क्यों नहीं बनते कि बेटे को बताओ और ना माने तो थप्पड़ लगाओ. और जितने लोग इस बात को मानते थे ना कि लड़की घर से बाहर निकलती है तो रेप होता है, उसके रिश्तेदार ने बेडरूम में घुस के उसकी बच्ची के साथ रेप किया. जब उसके माँ बाप ने इस बच्ची को देखा तो खून में लथपथ पड़ी थी. पूरा हॉस्पिटल घूम गया था इसकी चीख से. और हिंदू मुस्लिम आप करते रहिए अपना काम एक दूसरे को बुरा भला कहने में और जुलूस निकाल के एक दूसरे को मारने में. अगर शर्म है ना थोड़ी सी, तो इनसे ज्यादा खतरनाक जो हमारे मुल्क में हो रहा है कि बच्चियों के रेप जो करते हैं उन जानवरों को जाके सबक सिखाओ जिन्हें भीड़ ले जाकर. और कोई बताने की जरूरत नहीं है किसी को कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती. जब आप किसी को ये बताते हैं कि लड़कियां किसी से कम नहीं है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पहले से ही दिमाग में हमने रखा है कि लड़कियां कम होती हैं. 100 करोड़ की आबादी में अगर एक इंसान भी मेरी आवाज सुन रहा है ना और उसको ये लगता है कि लड़कियां देर रात घर से बाहर निकलती हैं तो रेप होते हैं, तो मुझसे बात कर ले. मैं कसम खा रहा हूं अगर इसने मुझे हरा दिया इस चीज में तो जिंदगी में कभी रेडियो पे नहीं आऊंगा और अपनी आवाज नहीं सुनूंगा.